हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, मैं, दीपक और ये विशाल। तो हमेशा की तरह दीपक आज ड्राइवर बना है और है ना, आज हम शायद जा रहे हैं नाहरगढ़ की साइड में। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, बट आप देख लेना नेक्स्ट आगे के व्लॉग में क्या कहाँ जा रहे हैं हम। और विशाल ने आज इतने दिनों बाद अपनी ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसके चैनल को। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ का प्लान बना है, पर जा रहे कहाँ है वो नहीं पता अभी किसी को भी। तो पहले देखते हैं आज सिटी का व्यू कि सिटी में कितना ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दीपक, आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे। कौन सा? 77। कुछ वो तू बता। 76 होगा। ये देख लो हमारे हिंदुस्तानी। 2022 में जी रही है बीवी। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज अभी हम लोग सिटी में तो आ चुके हैं, लेकिन अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जाना कहाँ पर है। अब देखते हैं, जहाँ पे भीड़ कम होगी वहाँ चलेंगे। और गाइज इतना ट्रैफिक है ना आज, पूरी चांदपोल, छोटी चौपड़, हम लोग अभी बड़ी चौपड़ आ चुके, लेकिन इतना ट्रैफिक दिख रहा है ना इधर, मतलब आधे घंटा लग गया हमारे को इतनी सी दूर आने में। नाहरगढ़ का प्लान कैंसिल। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि नाहरगढ़ भी ऐसा ही ट्रैफिक मिलने वाला है हमारे को। जैसा कि हर बार हमारे साथ होता है, हम लोग सोच के कहीं के आते हैं, जाते कहीं पर है, तो हम लोग आ गए। कहाँ पे आए बता? हम आए गोविंद देव जी के। गोविंद देव जी के, और हम लोग गोविंद देव जी के आए हनुमान जी के साथ। गाइस ये खुद है भूमिया जी। तो अभी चलते हैं आगे, मस्त मौसम हो रखा है, गर्मी वाला शानदार। तो अभी हम लोग ना कार को साइड में पार्क करके आ गए, क्योंकि आगे जगह नहीं थी, यहाँ पे तो बाइक की पार्किंग ही होती है। अभी चलते हैं पर आगे मंदिर की तरफ, और यहाँ पर ना आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब नॉर्मल डेज से ज़्यादा ही है यहाँ पे भीड़। तो गाइस हम आ गए हैं गोविंद देव जी के मंदिर में, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आप सब देख लीजिए यहाँ पे कैसे श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। गाइज इन दोनों नमूनों को देखिए, दो नमूने इधर देखो। हेलो, हम लोग आ गए भाई गोविंद देव जी के। गाइज लिटरली आज काफी भीड़ है यहाँ पे मंदिर में, क्योंकि आज ना 15 अगस्त की वजह से सब लोगों की छुट्टी है, तो जयपुर के मोस्ट ऑफ लोग ना यहाँ पर आते ही आते हैं, सब लोग ना गोविंद देव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। फिलहाल आज हम भी यही देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर है ना कितनी भीड़ लगती है, पर मतलब लिमिट से ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ नॉर्मल डेज से ले। राधे राधे गाइस, गाइस नृत्य नाटिका भी हो रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर, और मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि आज बाबा का श्रृंगार कितना शानदार किया हुआ है, कितने मस्त लग रहे हैं। तो फिलहाल अभी अपन मंदिर में चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से। अभी हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे गोविंद देव जी के। तो ना यहाँ पे ना सत्संग और तो भागवत गीता का पाठ चल रहा है, जहाँ पे कम से कम मिले तो ना 10 से 15 हज़ार आदमी है जो लोग यहाँ पर इसका पाठ के मजे ले रहे हैं।
गाइज ये गोविंद देव जी के जो मंदिर हैं उनके पीछे का जो पार्क है ना उसका व्यू है। इसको पहले ताल कटोरा बोलते थे, इसमें बहुत सारा पानी था बट अभी आप देख सकते हो एकदम सूखा पड़ा है। बारिश के टाइम पे मे भी इसमें पानी होता होगा। तो गाइज अभी ना हम लोगों ने ये ताल कटोरा जो था ना वो देखा है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब हम लोग छोटे थे जब आते थे ना तो यहाँ पे पहले पानी खूब रहता था, इसमें भरा हुआ रहता था ये। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं पानी खत्म होता जा रहा है। तो अभी आगे चलते हैं, इसका पार्क का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कि पीछे पार्क के अंदर कितना मतलब माहौल बना हुआ रहता है यहाँ पे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितना बड़ा? खूब बड़ा। कौन सी वीडियो देखता है तू हमारी? आपकी सब वीडियो देखता हूँ। अच्छा, गाइस इसने इसको पैसे दिए हैं ये सब। मैंने पैसे दिए तेरे को? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसने अभी 56 रुपए दिए इसको। 10 रुपए में इसने अपना फैन बनवाया। गाइस इसने 10 रुपए में अपना ईमान बेच दिया, ऐसे बोलना चाहते ये। पर भाई बोल दे मैंने पैसे नहीं लिए। हाँ भाई मेरे को दे दे मेरा पापड़, मेरे हिस्से का। इसमें से भी खा गया ये पूरा पापड़। ये देखो स्नैप ले लिए भाई, नमक कम है। गाइस इसको देखो कैसे पापड़ के ऊपर ये चने फैला के खा रहा है। ये पापड़ को रोटी समझ के खा रहा है और इसको सब्जी। मजा आ रहा है देखो गाइस, बहुत मस्त लग रहा है। मेरी रोटी फील गई है थोड़ी सी। गाइस देखो इन दोनों, समझने वाले समझ रहे होंगे हम इसको किस फीलिंग से खा रहे हैं। गाइस ये देखो चखने की जैसे खा रहे हैं। क्योंकि हम चखना ही खाते हैं। गाइस मुझे देखो कितने अच्छे से खाती हूँ मैं। गाइस ये कागज भी खाने वाली है। सो गाइस अभी फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। बढ़िया मजा आ गया आज तो पापड़ खाने में। यार डस्टबिन का तो देखना पड़ेगा। हम जा रहे हैं यहाँ के फेमस जो कचौरी मिर्ची बड़ा और लस्सी फेमस है वहाँ पे हम खाने जा रहे हैं। अगर आप जयपुर से हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आके ट्राई कीजिए, अगर बाहर से हैं तो भी आके ट्राई। हाँ लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए, यहाँ पे बड़ा फेमस मिलता ही है। मतलब जो लस्सी मिलती है, जो कचौरी और जो मिर्ची बड़ा मिलता है ना, वो यहाँ की स्पेशल लस्सी। सो गाइज अभी हम लोगों ने बढ़िया लस्सी वगैरह पी ली है और अब हम लोग जा रहे हैं हमारी डायरेक्ट कार पार्किंग के अंदर, जहाँ पे हमने हमारी कार को पार्क कर रखा है। और मेरी आवाज़ यहाँ पे धीरे आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है ना, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट कार पार्किंग में, और पार्किंग भी इतनी दूर है यहाँ से, ये सब इस दीपक की वजह से। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी कार में वापस से और अब जा रहे हैं घर पे। सो गाइस मैं गोविंद देव जी के साथ घर पे आ चुका हूँ और अभी बच्चों की ये विश थी कि आज चाचा मार को घुमा के लेकर आओ, आप हमारे को झूले खिला के लेके आओ। तो हमारे पास में यहाँ पे झूले लगे हुए हैं तो इनको वहाँ पे झूला खिलाने लेके चलते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे मेला लग रखा है और अब इन बच्चों को अपन मेले में सिर्फ झूला खिलाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना अंदर स्पीकर चल रहे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो अभी अंदर चलते हैं। अब गाइस हमारे को ना यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि चीकू के लाइक तो कोई झूले है ही नहीं। अब इनमें थोड़े बहुत झूले थे जिसमें पिट्टू जा सकते हैं लेकिन ये तो जा नहीं सकती अकेली। क्या करें चीकू, कौन से झूले में जाएगी? अब ये देखो यहाँ पे सारे बड़े बड़े झूले हैं। ये देखो इसमें बच्चे तो एक दो झूले, ये देखो ये कितना बड़ा है। आएगी क्या झूला ये वाला? अकेली तू? अकेली तो नहीं, तू चले तो चल, मैं चिकू जा, चल जा बेटू चल जा। सो गाइस बच्चों को ना अब देखो ये इतनी छोटी है यहाँ पे कि ऊपर भी नहीं जा पा रही। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। और ना गाइस हमारी चीकू को तो ना बहुत ज्यादा डर लगा इस झूले में जाने से। मेरा चीकू डर लगा ना, देखो वो भाव उठ गए। आप तिपके से जाएगी भाव के साथ? जाएगी क्या है? जाएगी भाव के साथ पक्का। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे आने से पहले ये सोचा था चीकू तो है ना हर झूला झूल लेगी, लेकिन ये तो है ना डर रही है आज, पता नहीं कैसे डर रही है ये। जबकि ना हर झूला झूल लेती है इसको इतना डर नहीं लगता, लेकिन आज क्या है इसको चढ़ाई नहीं करा, इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े झूले हो गए यहाँ पे। अभी है ना इनको अगले जो नेक्स्ट मंथ में ना इनको बढ़िया से झूले वाली जगह लेके जाएंगे जहाँ पे बच्चे इजीली खेल सकते हैं। क्या डर नहीं लग रहा? पकड़ नहीं रखी।
अभी यहाँ पर तो झूला हम लोगों ने खा लिया है, हम लोगों ने तो चीकू ने तो खा लिया है। अब यहाँ पर सब बड़े बड़े झूले हैं, तो अब तो हम घर ही चलते हैं। चीकू चले घर, वह खाएगी इस वाले में खाएगी। तो गाइस फाइनली इन बच्चों ने ना बहुत झूला एंजॉय कर लिया है यहाँ पे। अब बड़े झूले थे यहाँ पे, किट्टू को तो हम लोग खिला सकते थे लेकिन ये चीकू नहीं खा सकती थी। अब अगर किट्टू खाएगा तो जिद करेगी जाने की, इस वजह से किट्टू को ना कल लेकर आएंगे। ठीक है किट्टू, अब आपको ना बाकी बचे हुए झूले पे कल लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, ये बोल रही है इसमें जाने के लिए कितना बड़ा झूला है, इतनी सी कैसे जाएगी इस झूले में, है बेटा। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और बच्चे वगैरह सब सो गए, और आज मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं गोविंद देव जी के गया और मैं वहाँ पे थोड़ी देर उनके दर्शन किए, वहाँ पे मैं बैठा, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी मोटिवेट भी हूँ उस चीज़ से। तो और अभी मेरे फ़िलहाल कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे डेली ब्लॉग आए और आप लोग भी मुझे फुल सपोर्ट करना ब्लॉग्स को लेकर। तो शायद आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माता दी।